आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आपका बेसन का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप घी। इसे मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। जब घी मेल्ट हो जाए तो 1 कप बेसन डालेंगे इसमें। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। 1 कप बेसन मैंने लिया है और 1 कप ही घी लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते रहें। इसमें ध्यान रखें कि गुठलियाँ ना पड़ें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए घी ज़्यादा होने से बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप बेसन और घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में बेसन का कलर चेंज होने लगेगा। बेसन में छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे हैं, यानी कि बेसन का भुनना स्टार्ट हो चुका है। बेसन की टेंडेंसी होती है वो घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इक्वल रेशियो में मैंने दोनों को लिया है। यहाँ पर इक्वल रेशियो में बेसन और घी लेने से हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो बेसन नीचे से जलने लगेगा। अब आप देखेंगे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। ये देखिए इसका कलर पहले से डार्क हो गया है। बेसन जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो किनारे से घी को ये छोड़ने लगेगा। 8 से 10 मिनट हो चुका है धीमी आंच पर बेसन को भूनते हुए। अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है, बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। इसे लगातार चलाते रहें। अब इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप दूध। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब इसे लगातार चलाते रहें। दूध को बेसन बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देखिए ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसे चलाना बिल्कुल ना छोड़ें। ये देखिए दूध को बेसन एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे लगातार चलाते रहें। इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरह चलाएं। बेसन से घी अभी साइड से छोड़ने लगेगा। यहाँ पर आप दूध की जगह पानी ले सकते हैं। दूध लेने से बेसन के हलवे का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैं हमेशा जब भी बेसन का हलवा घर पर बनाती हूँ तो दूध का ही यूज करती हूँ। अब इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। जब भी आप हलवा बनाएं तो चीनी हमेशा लास्ट में डालें। अगर आप चीनी को दूध से पहले डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया हलवे का। अब यहाँ पर थोड़े से नट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम और चिरौंजी। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से हलवे का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है और हलवे का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आता है। अब डालेंगे 2 छोटी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालने से हलवे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप बेसन के हलवे को 1-2 दिन फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे जब भी यूज करें तो थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरह से गर्म करने से हलवा बिल्कुल फ्रेश लगेगा। अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। गर्मा गर्म बेसन का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका हलवा कैसा बना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।